कृतघ्नता बुराई की जड़ है। एक नदी में नाव पर सवार होकर कुछ लोग नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव डूबने लगी। नाविक और कुछ कुशल तैराक नदी में तैरकर अपनी अपनी जान बचाए। उधर नाव सबको नदी में छोड़ खुद आगे निकल गई। बचे हुए लोग राजा के दरबार में पेश किए गए। राजा ने नाविक से पूछा, नाव कैसे डूबी? नाव में छेद था क्या? नाविक, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी। महाराज, इसका मतलब तुमने सवारी अधिक बिठाई थी? नाविक, नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही थे और न जाने कितनी बार मैंने उससे अधिक सवारी बिठाकर नाव पार लगाई है। राजा, आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा भी तो नहीं थी? नाविक, मौसम सुहाना था, नदी भी बिल्कुल शांत थी महाराज। राजा, मदिरा पान तो नहीं किया था तुमने? नाविक, नहीं महाराज, आप चाहें तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हैं, यह लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित लौटे हैं। महाराज, फिर क्या चूक हुई? कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? नाविक, महाराज, नाव होले होले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी, तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। मैंने पतवार रोक के उसका विरोध किया और पूछा कि तुमने नाव के भीतर क्यों थूका, क्यों गंदगी की? उसने उपहास में कहा, क्या मेरे नाव में थूकने से नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस निकृष्ट कार्य से हम सब शर्म से डूब रहे हैं। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, तुम उसी में थूक रहे हो, गंदगी कर रहे हो? राजा, फिर क्या हुआ? नाविक, महाराज, मेरी इतनी बात पर वो तुनक गया और बोला, पैसा देते हैं नदी पार करने के, कोई एहसान नहीं कर रहे तुम और तुम्हारी नाव। राजा, पैसा देने का क्या मतलब? नाव में थूकेगा? अच्छा, फिर क्या हुआ? नाविक, महाराज, वो मुझसे बहस करने लगा। राजा, नाव में बैठे और लोग क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? नाविक, महाराज, ऐसा नहीं था, नाव के बहुत से लोग मेरे साथ उसका विरोध करने लगे। राजा, तब तो उसका मनोबल टूटा होगा, उसको अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ होगा। नाविक, ऐसा नहीं था महाराज, नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ खड़े हो गए तथा नाव के भीतर ही दो खेमे बट गए। बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े। राजा, चलती नाव में ही मारपीट? तुमने उन्हें समझाया तथा रोका नहीं? नाविक, रोका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की। मैंने कहा, नाव इस वक्त अपने नाजुक दौर में है, इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सबकी जान का खतरा बन जाएगी, लेकिन कौन मेरी सुने? सब एक दूसरे पर टूट पड़े तथा नाव ने बीच धारा में ही संतुलन खो दिया। महाराज, कहानी का सार, नाजुक दौर में संतुलन बनाए रखें ताकि नाव के संतुलन खोने से बाकी साथियों को नुकसान न हो।